लोकायुक्त नियुक्ति पर हाईकोर्ट की डेडलाइन के बाद उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग उसकी शरण में जाते, लेकिन लोकायुक्त से बचो, ये बीजेपी का नारा बन चुका है। हरीश रावत ने कहा कि हमने लोकायुक्त और उसकी पूरी बेंच का चयन किया था, लेकिन जानबूझकर फाइल को लटकाया गया। लोकायुक्त के कार्यालय में कार्यरत लोगों को तनख्वाह तो दी जा रही है, लेकिन लोकायुक्त गायब है। अनंतो गत्वा उत्तराखंड सरकार की ढुलमुल रवैये से परेशान माननीय हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 3 महीने की डेडलाइन राज्य सरकार को दी। हमने 2015-16 में माननीय हाईकोर्ट की देखरेख में विधानसभा द्वारा पारित कानून की सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सर्वसम्मति से, जिसमें नेता विपक्ष भी सम्मिलित थे, जिसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित थे, लोकायुक्त और लोकायुक्त की पूरी बेंच का चयन किया। दुर्भाग्य से दिल्ली की सत्ता को वो पसंद नहीं आया। गवर्नर महोदय के पद का दुरुपयोग करते हुए कई प्रश्न लगा करके अनुमोदन प्रदान करने के बजाय विलंब किया गया और जानबूझ करके फाइल को लटकाए रखा गया। हम उम्मीद कर रहे थे कि सत्ता परिवर्तन के साथ नई सरकार शायद अपने नाम से लोकायुक्त की नियुक्ति कर देगी, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनको तो लोकायुक्त नियुक्त करना ही नहीं था। आखिर लोकायुक्त होता तो त्रस्त उत्तराखंड के लोग लोकायुक्त की शरण में जाते, और इसलिए लोकायुक्त से बचो ये भाजपाई नारा बना, और आज उसी का परिणाम है कि लोकायुक्त पर निरंतर तनख्वाहें दी जा रही हैं उनके कार्यालय को, मगर लोकायुक्त गायब है। गवर्नर हाउस में आज भी 2015-16 का लोकायुक्त लटका पड़ा। उधर लोकायुक्त की नियुक्ति पर जिस तरह से हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने की डेडलाइन दी है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भाजपा पर साधे गए इस निशाने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लोकायुक्त के ढांचे में कुछ दिक्कतें थी, कोर्ट का निर्णय है तो उसका पालन भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं, कोई अधूरा नहीं है। आखिर लोकायुक्त के संदर्भ में पार्लियामेंट के अंदर विधानसभा की जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में सब प्रकार चीजें स्पष्ट हुई हैं कि उसके स्ट्रक्चर बनाने में, ढांचा बनाने में कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए कोर्ट से आप मांगा था। अब कोर्ट का निर्णय आएगा तो कोर्ट के निर्णय का पालन करना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, इसलिए इसको राजनीतिक इशू हम बनाना नहीं चाहते। दरअसल हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने सरकार को 3 माह का अंतिम मौका दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी या फिर इसको लेकर सरकार हाईकोर्ट में कोई नया तर्क देगी। हालांकि जो भी होगा उसके लिए वक्त सिर्फ 3 महीने का ही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह का अंतिम मौका दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को भी वेतन न दिया जाए। हालांकि सरकार चाहे तो अन्य विभागों में इन कर्मचारियों से काम लेकर उनका भुगतान कर सकती है।